तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ हायर डिग्री इक्वेशन। जैसे क्यूबिक है, फोर डिग्री है, फाइव डिग्री इक्वेशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये एट्थ क्लास ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे क्वाड्रेटिक में हमें पता है, क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करना भी क्वाड्रेटिक को आता है। उसके रूट्स आ गए समथिंग अल्फा बीटा, फैक्टराइज करने के बाद ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा एंड बीटा, तो दीज आर रूट्स। रूट्स को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। रूट्स को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। रूट्स आर सॉल्यूशंस, या इसको हम जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। अच्छा, क्वाड्रेटिक को तो श्योर शॉट हम सॉल्व कर ही सकते हैं। एक्स की वैल्यू श्रीधराचार फॉर्म लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हायर डिग्री क्वेश्चन, जैसे फोर डिग्री हो गई, फाइव डिग्री क्वेश्चन हो गई, उस सब में क्या हो सकता है, तो उनके रियल रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, पहले तो हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फॉर एग्जांपल, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस ट्वेल्व। जिसको सही से नहीं आती है मैथमेटिक्स, वो सिंपली बस क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी भी हायर डिग्री क्वेश्चन है एक्सेप्ट क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज इजीली नहीं होती हैं। उसके लिए कोई तरीका नहीं होता है, बड़े ही स्पेसिफिक मेथड होते हैं। तो उन्हीं कुछ स्पेसिफिक मेथड्स की आज हम बात करेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई करके फोर डिग्री क्वेश्चन नहीं बनानी है, क्योंकि फोर डिग्री क्वेश्चन बन गई तो फिर फर्दर और फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ये दो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कॉमन आ रहा है। तो उसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से इसका नाम है वाई, दिस इज वाई, तो दिस विल बी वाई प्लस वन एंड वाई प्लस टू माइनस ट्वेल्व, दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू माइनस ट्वेल्व, तो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस टेन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव और टू से फैक्टराइज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कर ही सकते हो, माइनस टेन। वाई कॉमन ले लो, तो दिस इज वाई प्लस फाइव माइनस टू, देन वाई प्लस फाइव, वाई माइनस टू, वाई प्लस फाइव, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब फर्दर हम y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब फर्दर इसको जीरो करके दोनों क्वाड्रेटिक सॉल्व करी जा सकती हैं और उससे हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो पहले अभी हम लोग फैक्टराइजेशन का ही मेथड देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल टू। एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर प्लस वन, और ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। अच्छा, ट्राइनोमियल मतलब होता है जहां पे तीन टर्म्स हो, ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर समथिंग, एनी नेचुरल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, चार टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर फोर, ये फोर डिग्री क्वेश्चन आएगी, फोर डिग्री पॉलिनोमियल बनेगी।
फोर डिग्री क्वेश्चन अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है तो ऑब्वियसली वो किसी क्वाड्रेटिक का ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ और हम बातें करेंगे, जैसे कि एक तरीका देखते हैं जिससे तीन ब्रैकेट्स या दो चार ब्रैकेट्स इजीली मल्टीप्लाई हो पाए। सपोज कर लो ये क्यूबिक है, ये क्या दे रखी क्यूबिक, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका होता है, इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करें फिर इस ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जनरल तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इस क्यूबिक के सारे फैक्टर्स को जीरो करो तो इसके रूट्स आ रहे हैं 1 2 3। क्या आ रहे हैं 1 2 3। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, सारे एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री टर्म आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस सम ऑफ रूट, सारे रूट्स को ऐड कर दो और एक एक करके डिग्री रिड्यूस करते जाओ, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस देन प्लस, दो दो के पेयर के प्रोडक्ट बना लो 2 into 3, 3 into 1 एक्स, फिर माइनस तीनों का प्रोडक्ट, सिंपली ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी को और जनरलाइज कर लेते हैं, सपोज कर लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है, ठीक है, जिसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन, एन डिग्री पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, ये एक एक करके सारे रूट्स ऐड कर दो, और सॉरी अल्फा 3, एक एक करके इसकी डिग्री रिड्यूस करते जाएंगे ग्रेजुअली, फिर प्लस टेकन 2 एट ए टाइम, फिर डिग्री रिड्यूस कर दो एक्स टू द पावर एन माइनस 2, फिर माइनस टेकन 3 एट ए टाइम, तीन तीन के जितने ट्रिपलेट्स बनेंगे फिर डिग्री रिड्यूस कर दो। तो एक आसान तरीका हो सकता है मल्टीप्लाई करने का, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो उसके रूट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 4। अच्छा ये 4 डिग्री क्वेश्चन है, एक्स की पावर क्या आएगा 4 आएगा, तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म लिख लो एक्स की पावर 4, माइनस सारे रूट्स को ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4, एक डिग्री कम करा एक्स क्यूब आ गया, प्लस दो दो के पेयर बना लो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, कंजर्केटिव बना लिए, फिर एक एक छोड़ के 1 × 3, 1 × 3, 1 × 4, फिर 2 × 4, देखो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, चार रूट्स हैं तो दो दो के पेयर 4c2 बनेंगे, दैट इज 6, 6 पेयर्स आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर कर लो, माइनस तीन तीन का प्रोडक्ट कर लो 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3, एक्स, फिर प्लस सारे रूट्स का प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा आसान है और इसको अभी आगे पॉलिनोमियल में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था एग्जांपल 2, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 प्लस 1 किसी एक क्वाड्रेटिक का स्क्वायर था। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना, तीन तीन अननोन आ गए ए बी सी। अच्छा ऑब्जेक्टिव पेपर में दो अननोन काफ़ी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना ये होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब तुम इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स से क्या आया एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स क्यूब आया, फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 आएगा, इस वजह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 कोफिशियंट 1 आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या हो जाएगा 1। अब इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस
बी सी प्लस सी, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशियंट वन क्यों करा, क्योंकि इधर हमें पता है, इधर अगर हम ए लिखते तो ये अननेसरी ए एक्स की पावर फोर आता। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और कोफिशियंट कंपेयर कराना है। तो देखो उसी तरह से करते हैं, इसके रूट्स देखो क्या आएंगे, सारे फैक्टर्स जीरो करोगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या आएगा, एक्स की पावर फोर माइनस, फिर सारे रूट्स को ऐड कर दो, ठीक है, माइनस, फिर दो दो के पेयर आएंगे, अभी वो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जरूरत ना पड़े, दो दो के पेयर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, तीन तीन के पेयर आएंगे एक्स हो जाएगा, फिर प्लस सारे रूट्स का प्रोडक्ट, हो सकता है हमें सारे टर्म्स की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ एक्स की पावर फोर का ऑप्शन तो मैच कर ही रहा है, वन आ रहा है, हम यहाँ पे ही कर लेंगे। देखो जरा एक्स की पावर फोर तो आ ही रहा है वन, एक्स क्यूब कहाँ से आएगा, एक्स क्यूब आएगा ये बी एक्स क्यूब, ठीक है। देखो जरा बी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, माइनस टेन, तो यहाँ पे जब तुम पूरा सॉल्व करोगे दिस विल बी कमिंग टू बी टेन, तो बी आ जाएगा टेन, सिंपली बी क्या आ गया टेन। कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, ओनली सी स्क्वायर आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो कॉन्स्टेंट टर्म ये क्या आएगा तुम्हारा, फोर फैक्टोरियल, माइनस चार बार मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज चौबीस, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू फोर, तो सी स्क्वायर विल बी, और देख लो कहीं और तो कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कॉन्स्टेंट और कहीं नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू चौबीस। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, फाइनली बी आ गया, सी आ गया, यहाँ पे बी और सी हम रख देंगे तो फाइनली हमें ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर आगे बात करते हैं कुछ और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस की, तो एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमें फैक्टराइज करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, ये पिछले लेक्चर में डिस्कस भी करा था हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस थ्री वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आया तो जेड प्लस एक्स प्लस थ्री जेड स्क्वायर आया तो एक्स प्लस वाई प्लस ये आएगा तुम्हारा सिक्स एक्स वाई जेड, दैट इज सिक्स एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे हम उठा के, ये फॉर्मूला यहाँ रखो तो सिर्फ ये टर्म्स बचेंगे, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज इसको ओपन करने में भी टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो नाउ दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जेड प्लस थ्री वाई स्क्वायर जेड प्लस थ्री वाई स्क्वायर एक्स प्लस थ्री जेड स्क्वायर एक्स प्लस थ्री जेड स्क्वायर वाई प्लस सिक्स एक्स वाई जेड। अब ध्यान से सारे टर्म्स देखने हैं और उसमें कुछ कॉमन जो आ सकता है वो निकालना है, ठीक है। देखते हैं, आराम से ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे टर्म्स देख रहे हैं, चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच सात सेवन टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम थ्री कॉमन ले लेते हैं, थ्री तो कॉमन ले ही लेंगे, फिर अब एक कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड एंड
सिक्स एक्स वाई, अगर इस पूरे से थ्री कॉमन ले लिया और जेड भी कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और से भी थ्री जेड कॉमन ले रहे हो तो आ जाएगा टू एक्स वाई, ठीक है प्लस। अब इसके बाद ये दिख ही रहा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद कुछ एक्स प्लस वाई जैसा ही हमें ढूंढना है, तो एक्स प्लस वाई जैसा ही अगर हमें ढूंढना है तो देखो कौन कौन से टर्म्स कंज्यूम हो गए उसको मार्क करते जाते हैं, ये कंज्यूम हो चुका है, ये कंज्यूम हो चुका है और ये कंज्यूम हो चुका है। अब जो बचे उस पर फोकस करो, यहाँ पे बच रहा है एक ही, ये बच रहा है ठीक है, इसको देखते हैं अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। एक्स यहाँ से जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये एक्स बन जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लें तो वाई बन जाएगा। हमें एक्स प्लस वाई ही अपेयर कराना है, सिमेट्री में चलनी चाहिए रिलेशन एक्स प्लस वाई देन, ठीक है। तो अब कौन से कंज्यूम हो गए, ये कंज्यूम हो गया एंड ये कंज्यूम हो गया, ठीक है। अब दो ही बच रहे हैं, एक और दो, तो इससे हम कॉमन ले लेते हैं इससे और इससे एक्स वाई, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। पूरा यहां से कॉमन ले लो थ्री एक्स प्लस वाई, तो दिस विल बी जेड एक्स प्लस वाई बचेगा प्लस जेड स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स वाई बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो यहां से देखोगे ये आ रहा है एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर इन दोनों से एक्स कॉमन ले लो, अब हमें इस पे ही फोकस करना है, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लें, इसको लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर जेड प्लस वाई बचेगा। इन दोनों से जेड कॉमन ले लो तो फिर जेड प्लस वाई बचेगा, तो पहले इन दोनों से हम एक्स कॉमन ले रहे हैं तो जेड प्लस वाई, इन दोनों से जेड कॉमन ले लो तो वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कॉमन लोगे तो दिस विल बी वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड, तो फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह के वेरियस मेथड हो सकते हैं, वन बाय वन सबके ही गो थ्रू जाना है वाई प्लस जेड एंड इंटू जेड प्लस एक्स, और इस तरह के एक्सप्रेशन जितने याद कर सकते हो वो भी बेटर रहेगा। तो इस मेथड को फिर से देख सकते हो क्या कराए यहाँ पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जैसे हमने बात करी क्यूबिक फोर डिग्री इक्वेशन के बड़े स्पेसिफिक मेथड होते हैं, जैसे क्यूबिक में हिट एंड ट्रायल लगाया जाता है, रूट्स की वैल्यू रख रख के चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, सारे प्लस साइन है और सारी ऑड पावर भी आ रही है, ठीक है। तो एक खास तौर की ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहां सारी ऑड पावर आ रही है, तो इस तरह की पॉलिनोमियल पे ध्यान रखना, इसका तुम जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो दैट विल बी 17x⁻⁶, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन हमें पता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो पावर एक एक रिड्यूस हो जाएगी 10x⁴। तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की ऑड पावर को तो सारी एक्स की इवन पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक्स की ऑड पावर है तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव आएंगे, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका कर्व मैक्सिमम एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, एक बार कट करेगा, और जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है वहां वाई वैल्यू जीरो होती है, और उसको बोलते हैं रियल नोड।
तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम में। तो सिंपल अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, बीच में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉन्स्टेंट पे माइनस साइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसको डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आ जाएगा। बीच में सारी ये सारी एक्स की ऑड पावर है और बीच में प्लस साइन है, तो इट हैज़ ऑलवेज वन रियल रूट, इट हैज़ ऑलवेज ओनली वन रियल रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व ट्वेल्व एक्स टू द पावर फोर माइनस 56x³ प्लस 89x² माइनस 56x प्लस 12। तो वैसे तो 4 डिग्री क्वेश्चन सॉल्व नहीं करी जा सकती, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, इसको आगे के लिए ध्यान रखना। पहले और आखिरी टर्म के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, 12 12, ठीक है। सेकेंड एंड सेकेंड फ्रॉम लास्ट के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो ये 4 डिग्री में नहीं है, 6 डिग्री हो 8 डिग्री हो, लेकिन जितनी डिग्री बढ़ेगी फिर कैलकुलेशन उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे केस में करना ये होता है कि जो मिडिल टर्म है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 12x² माइनस 56x प्लस 89 माइनस 56 बाय एक्स प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, किसी भी चीज़ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर जीरो कब होता है? जब एक्स जीरो होता है, ठीक है। तो एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और ये रख के तुम चेक कर लो क्या जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है। रखोगे तो आ जाएगा 12 = 0, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो जीरो का रूट नहीं है, नॉट इट्स रूट्स। x = 0 इसका रूट नहीं है, इसी केस में हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आइडेंटिकल टर्म एक साथ कर लो, तो लाइक जैसे 12 कॉमन लिया हमने यहां से, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां से माइनस 56 कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 89 अलग हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर माइनस 2 टाइम्स पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर माइनस 56 प्लस 89। तो अगर ये 3 टर्म्स देखते हैं तो ये एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 अब हम x प्लस 1 बाय एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे कुछ, और अभी आगे भी देखेंगे हम लोग ए एम जी एम के कंसेप्ट में, कोई नंबर है और अगर वो पॉजिटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज 2 या 2 से बड़ा आता है, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल माइनस 2 या माइनस 2 से छोटा आता है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है टी क्या है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो या तो ये 2 या 2 से बड़ा आएगा या फिर माइनस 2 या माइनस 2 से छोटा आएगा। ये पॉइंट याद रखना अभी फिलहाल, आगे चल के प्रूफ करेंगे इसको। तो दिस इज 12t² माइनस 56t, यहाँ से क्या आएगा माइनस 24 प्लस 89 इज इक्वल टू जीरो। तो 12t² माइनस 56t प्लस, इसको ऐड कर लेते हैं
तो आई थिंक दिस विल बी 65, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 65 और 12, तो ये फैक्टर बन जाएंगे तुम्हारे 65 माइनस 13, 2y माइनस 5, ठीक है। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो 5/2 आ रही है और एक आ रही है 13/6। 13/6 हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज हमें पता है 13/6 आएगा 1 point something, और x प्लस 1/x, इसको तुम सॉल्व करके भी देख सकते हो, x प्लस 1/x को 13/6 रख के देख लेना, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, 2 से -2 के बीच में लाए नहीं कर पाए। x प्लस 1/x मतलब नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल 2 से -2 के बीच में लाए नहीं करता है, ये पॉइंट याद रखना। तो उस केस में x प्लस 1/x मतलब y क्या है, x y या t बोल दो, दैट इज t, या y जो भी बोलना चाहो, दैट इज t, t क्या है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 हो सकती है। अब आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 6x² प्लस सॉरी माइनस 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो नाउ दिस इज 3x माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, 2/3 एंड 3/2। तो एक स्पेसिफिक टाइप की इवेंट डिग्री इक्वेशन हो गई, इवेंट डिग्री में जब इक्वल डिस्टेंस पे कोफिशिएंट इक्वल आए तो जो बीच वाला कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करके इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल कोफिशिएंट आए तो बीच में जो छूट जाता है कोफिशिएंट उससे डिवाइड करके इस तरह से इक्वेशन बनती है, लेकिन जितनी हायर डिग्री होगी उतना वो कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज कर लो एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ये एक पैटर्न है, सॉल्व एक्स माइनस 1 की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 82, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, 4 डिग्री क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पैटर्न अच्छे से पहचान लो, यहाँ पे एक नाम देंगे हम, कुछ y दे देंगे और इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल लेते हैं। तो 4 डिग्री 5 डिग्री क्वेश्चन के लिए कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये डिफर करेगा और जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे उतना आइडिया हमें लगता जाएगा। दिस इज वाई, और यहाँ से तुम एक्स भी निकाल सकते हो, एक्स क्या आएगा, वाई प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे रख दो तो इससे होगा ये वाई प्लस 2 की पावर 4 वाई माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 82। अब इसको अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करें तो फर्स्ट टर्म आएगा इसका 4c0 y टू द पावर 4 प्लस 4c1 y का क्यूब इंटू 2 की पावर 1 4c2 y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4c3 y की पावर 1 2 का क्यूब 4c4 y की पावर 0 2 की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते जाएंगे, 4c0 y की पावर 4 माइनस 4c1 y क्यूब इंटू 2 प्लस 4c2 y स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4c3 y इंटू 2 क्यूब प्लस 4c4 y टू द पावर 0 2 टू द पावर 4, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 2 टाइम्स 4c0 होता है 1, तो ये y की पावर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4c2 होता है 6, तो दिस विल बी 4c2 6 होगा, y स्क्वायर और ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4c4 इज 1,
टू की पावर फोर इज 16 इज इक्वल टू कितना दे रखा था 82, ठीक है, टू से डिवाइड कर दो तो दिस विल बी y टू द पावर फोर प्लस 24y स्क्वायर प्लस 16, दिस विल बी 41. 41 इधर ले आते हैं तो y टू द पावर फोर प्लस 24y स्क्वायर माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, 25 से फैक्टराइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25, y स्क्वायर माइनस 1, सॉरी दिस इज 1, इज इक्वल टू 0. ऑब्वियसली ये तो 0 नहीं हो सकता, y स्क्वायर प्लस 25 तो पॉजिटिव ही आएगा, तो y स्क्वायर 1 हो जाएगा, मीन्स y प्लस माइनस 1 आएगा. और y अगर प्लस माइनस 1 आ रहा है तो देख रहे हो y की वैल्यू हम पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं, y अगर प्लस माइनस 1 आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज आएंगे. एक बार y को 1 रख दो तो 4, एक बार y को माइनस 1 रख दो तो 2, दीज टू वैल्यूज 4 एंड 2, ठीक है. तो बेसिकली हम रियल रूट्स ही निकालते हैं जब तक हमसे इमेजिनरी पूछा ना जाए स्पेशली. नेक्स्ट बात करते हैं, लाइक सपोज कर लो एक क्वेश्चन है इस तरह से, x+2, x+3, x+8, x+12. तो ये बड़े स्पेसिफिक मेथड है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह लगेगा, इस पैटर्न में क्वेश्चन दिखेगा तो ये चीज लग सकती है, और पहली बार एग्जाम में कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें, तो ऐसे केस में हम पैटर्न बनाते हैं, और ऐसे पैटर्न बनाते हैं कि या तो कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर दो दो के पेयर बनाते हैं, पहला दूसरा बना सकते हैं, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा बना सकते हैं, या तो कॉन्स्टेंट टर्म बराबर आ जाए या फिर x का कोफिशिएंट बराबर आ जाए. इसमें इसमें अगर हम देखें पहले तीसरे में तो 2x एंड 8x 10x आएगा, इसमें देखें नहीं आ पाएगा x का कोफिशिएंट, इन दोनों में भी 5x आएगा, इन दोनों में 20x आ जाएगा, इन दोनों में अगर देखें तो 14x आएगा, इन दोनों में x का कोफिशिएंट निकालें तो 8+3 11x आएगा, मतलब x का कोफिशिएंट बराबर नहीं आ पाएगा. कोई भी दो पेयर तुम लेकर के मल्टीप्लाई करो, कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब दो ही चीज़ें होती हैं, या तो x का कोफिशिएंट बराबर आ जाए या कॉन्स्टेंट टर्म बराबर आ जाए. तो दिख रहा है 2 × 12 = 24, ठीक है, एंड 3 × 8 = 24. तो अब बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से. तो हम कौन कौन से मल्टीप्लाई कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें पहला और चौथा, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कर दें दूसरा और तीसरा. तो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया वो क्या कर रहे हैं. तो पहला दूसरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+2 x+12 × x+3 x+8 = 4x², ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो आएगा ये x² + 14x + 24. तो कहीं तो सिमेट्री आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अनसिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए मैथ्स. जहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल हुई मैथ्स वहाँ पे वो क्वेश्चन गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इम्पॉर्टेंट है. अब इस केस में हम ये करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है उससे डिवाइड कर देंगे इसको, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज एक्स जीरो नहीं है. तुम रख के चेक कर सकते हो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो उस केस में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो एक एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे, एक एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी x+14 + 24 बाय x
एक्स प्लस 11 प्लस 24 बाय एक्स दैट इज 4। तो आप समझ गए होंगे x प्लस 24 बाय एक्स, इसको हम कुछ y एज्यूम कर लें, t एज्यूम कर लें, तो दिस विल बी y प्लस 14 एंड दिस विल बी y प्लस 11 इज इक्वल टू 4। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 25y प्लस y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 154 और 4 इधर ले आएंगे तो दिस विल बी 150। ठीक है, नाउ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 10 और 15 से हो जाएगा y प्लस 10 y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं माइनस 10 एंड माइनस 15। एंड y है क्या हमारा, y है x प्लस 24 बाय एक्स, ये माइनस 10 है और x प्लस 24 बाय एक्स माइनस 15 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 एंड माइनस 15 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अच्छा, ये क्लियरली दिख रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इसका डी सी डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव आ रहा है तो इससे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 24 से मिलेगा 8n। फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसमें श्रीधराचार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें। श्रीधराचार फॉर्मूला इसका d पॉजिटिव ही आएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। श्रीधराचार फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2ac। तो 225 इंटू 24 ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 129 डिवाइड बाई 2। तो ये एक पैटर्न हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हो एक बार फिर से किस तरह सॉल्व करा हमने। तो यहाँ पे एक पैटर्न जो बताया हमने कि कांस्टेंट टर्म या तो बराबर आए या एक्स का कोफिशिएंट बराबर आए, उसी केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज ये बहुत बुक्स वगैरह में दिखता है, दैट इज समथिंग एक्स इज इक्वल टू, कोई भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, रूट सिक्स फिर रूट सिक्स फिर रूट सिक्स से इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए हमें, अभी अंडर रूट को भी डिस्कस करेंगे आगे। अंडर रूट फोर काफी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि प्लस माइनस टू होता है, ऐसा गलत है। अंडर रूट फोर पॉजिटिव प्लस टू ही आता है, अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये क्वेश्चन क्लास 9th 10th का है, लेकिन 10th का स्टूडेंट ये काम नहीं करेगा कि वो लिखे कि एक्स पॉजिटिव होगा, और इसीलिए अगर स्टैंडर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसीलिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अंडर रूट के बराबर है तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इनफाइनाइट से पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन घटा दें हम तो भी वो इनफाइनाइट ही होगा, ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो भी वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट पता होगा क्या करते थे, एक ही अंडर रूट अगर हम हटा दें, निकाल दें बाहर, लेट्स से ये अंडर रूट बाहर वाला हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो अभी भी ये इनफाइनाइट टर्म्स है।
अभी भी ये x ही बन रहा है, अभी भी ये क्या बन रहा है, x बन रहा है, दिस इज x, ठीक है। तो एक अंडर रूट हटा दो, दो हटा दो, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी x बन रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, x इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स, अंदर वाले को फिर से x कर दो, अब स्क्वायरिंग कर लेंगे, और ये भी आगे भी डिस्कस करेंगे, जब भी स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करके, तो जो भी आंसर आता है, लेट्स से इसका अल्फा बीटा आंसर आ गया, तो ओरिजिनल इक्वेशन में रख के जरूर चेक करा जाता है। ये सेंटेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी थ्री एन माइनस टू, माइनस टू हो नहीं सकता, ये शुभ का ही कंसेप्ट है कि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स अंडर रूट के बराबर है, तो एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, तो एक्स क्या होगा, सिर्फ थ्री होगा, क्या होगा, थ्री। अब तुम ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख के चेक कर सकते हो, थ्री और इधर ये क्या आएगा, नाइन, नाइन का अंडर रूट, अंडर रूट नाइन प्लस माइनस थ्री नहीं होता है, अंडर रूट नाइन प्लस थ्री होता है, तो ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देखते हैं उसको भी। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज अंडर रूट एक्स प्लस फाइव प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस टेन, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, अंडर रूट हटाना ही तरीका होता है, स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन प्लस टू टाइम्स रूट ए बी एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सिक्स एक्स प्लस टेन। अच्छा ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर फोर एक्स आ जाएगा, दिस इज ट्वेंटी सेवन, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टू टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू, इसको जब इधर लेके आएंगे तो दैट विल बी, ये टू एक्स हो गया, तुम चाहो तो ये टू कैंसिल कर दो इसका, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा फोर टू एक्स प्लस सेवन बचेगा, टू भी कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब फर्दर फिर हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस इज एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन एक्स, फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन एक्स ट्वेंटी सिक्स एक्स, ये एक सौ पांच आ जाएगा, दैट इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी एट एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नाउ दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 56 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करते हैं तो दिस विल बी 3x प्लस 14, 14 से फैक्टराइज हो जाएगा एंड 4, तो x की यहां दो वैल्यू आ रही है, माइनस 14 बाय 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को कराने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब कभी भी हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, ये क्लास नाइन टेंथ का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो ये कंसेप्ट नहीं जानता कि जब कभी भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, आंसर आ रहा था इसका फोर एंड माइनस फोर्टीन बाय थ्री, तो जब कभी भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करा जाता है तो एक्स्ट्रा रूट्स, इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो भी आंसर आए ओरिजिनल इक्वेशन, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं,
ओरिजिनल इक्वेशन पे रख के चेक करना जरूरी है, इसको ओरिजिनल में तुम्हें रख के चेक करना होगा, 4 और -14/3। तो जब तुम रखोगे तो देखोगे -14/3 सेटिस्फाई नहीं करता है, 4 सेटिस्फाई करता है। तो आंसर आने के बावजूद भी चेक करना जरूरी है, अदरवाइज जल्दबाजी में लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है नंबर ऑफ सर, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी जाती ऑप्शन में, क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेंगे। तो जल्दबाजी में 2 सॉल्यूशन आ गए तो 2 टिक कराते हैं लोग, लेकिन ये गलत है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे कितने आएंगे, 1 आएगा, क्योंकि हमें जब भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर्स आएंगे उसको रख के चेक करना जरूरी होता है। तो फर्दर आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेक्चर में हम लोग और फैक्टराइजेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।